नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या कोई ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला कॉपियां चेक कर सकती है बोर्ड के? आप सोचिए कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर्स 12वीं के बच्चों के कॉपियां जांच सकते हैं, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल के अंदर ही जो गुरुजी है वो नहीं बल्कि उनके चेले कॉपियां जांचे? ये सब कुछ हो रहा है, और ये हो रहा है बिहार बोर्ड में 12वीं की कॉपियों के साथ। देखिए ऑपरेशन नील बटा सन्नाटा। मैं बायो का पेपर नहीं दिया, फिर भी उसमें मुझे पास किए गए हैं अच्छे नंबर से। ब्यूटी पार्लर वाली मेम साहब ने जांची कॉपियां, मिडिल वालों ने जांची 12वीं की कॉपियां, गुरुजी के चेलों ने भी जांच डाली कॉपियां। कॉपी जांचने वालों पर कम नंबर देने का दबाव, देश का सबसे बड़ा शिक्षा घोटाला, बिहार बोर्ड की परीक्षाओं पर सबसे बड़ा खुलासा। जी हाँ, बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के नतीजों पर यूं ही कलंक नहीं लगा है, बाकायदा कॉलेजों में इन छात्रों के रहनुमाओं ने ही इन नतीजों की कलंक कथा लिखी है। जहां ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मेम साहब बच्चों की कॉपी जांचे, छोटे छोटे बच्चे 12वीं की कॉपी जांचे, वहाँ अच्छे नतीजों की उम्मीद आप भला कैसे कर सकते हैं? हैरत में डाल देने वाला ये खुलासा हुआ आज तक के स्टिंग ऑपरेशन। किस वजह से योग्य छात्र फेल हो गए और सामान्य सा छात्र टॉपर बन गया? बिहार बोर्ड के नतीजे इस बार इतने गिर कैसे गए? इन सभी सवालों के जवाब की तहकीकात में आज तक की खुफिया टीम ने बिहार के कॉलेजों की खाक छानी तो कई हैरत अंगेज खुलासे हुए। हमारी इस तहकीकात में हमारे सामने तमाम हैरत अंगेज सच्चाइयां सामने आई। चलिए हम सबसे पहले आपको मिलवाते हैं MDDM कॉलेज मुजफ्फरपुर की प्रिंसिपल और इवेलुएशन डायरेक्टर ममता रानी से। ममता रानी से हमारी टीम की मुलाकात कॉलेज में ही हो गई। ममता ने सीधे सीधे मान लिया कि परीक्षकों से उनकी क्षमता की 2 गुना कॉपियां जचवाई गई, औने पौने नंबर दिए गए। जिस परिस्थिति में कॉपी दिखवाई गई वह परिस्थिति भी जिम्मेवार है कि हमारे आधे से अधिक शिक्षक हड़ताल पर थे, प्लस टू वाले जितने थे समान काम समान वेतन को लेकर, और उन लोगों को हड़ताल को तोड़वा के और समय पर रिजल्ट देने के लिए काम का दबाव भी पड़ा, एवरेज मार्किंग हुआ, दबाव बढ़ा, और उस दबाव का नतीजा यह रहा कि जल्दी जल्दी करके देना तो जिसकी कैपेसिटी 30 की है वो 60 कॉपी देख रहा है, तो गलतियां स्वाभाविक है। और ऊपर से यह डर कि हम ज्यादा नंबर देंगे तो कॉपी रिचेक में हम पर गाज गिरेगी। सुना आपने, ममता रानी ने कबूल किया कि शिक्षकों ने दबाव में कॉपियां जांची। अब सुनिए ममता रानी का सबसे हैरत अंगेज कबूलनामा। हुआ क्या है कि पिछले कांड के बाद परीक्षक भी बड़ा डर डर के कॉपी देखे हैं ना, क्योंकि परीक्षकों पर भी एक तलवार तान दिया गया कि वो ज्यादा नंबर देंगे तो उसको वो रीचेक करवा सकते हैं, तो जिसको आ भी रहा है तो डर के लोग कम की तरफ बढ़े हैं ना कि ज्यादा की तरफ। एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि परीक्षकों में यह डर समा गया कि हम अगर नंबर ज्यादा देंगे और उसमें अगर रीचेकिंग हो गया तो हम पर कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए क्यों ज्यादा देना, कम दे दो भाई, मतलब प्रॉपर नहीं दिया जितना डिजर्व करता था उतना नहीं दिया, देने का सोच ही नहीं रहे, उनकी मनसा यह हो गई है कि हमको कम मार्क्स देना है। ममता रानी ने इस सवाल का जवाब तो दे दिया कि क्यों प्रतिभाशाली बच्चों को भी बहुत कम मार्क्स मिले, क्योंकि ऊपर से आदेश थे कि ज्यादा नंबर नहीं देने। इस तहकीकात में आगे हमारी मुलाकात हुई वैशाली महिला कॉलेज के प्रिंसिपल और इवेल्युएशन डायरेक्टर डॉक्टर नारायण दास से। नारायण दास ने तो दबाव में कॉपियां जांचने की बात कबूल की है, साथ में ये खुलासा भी किया कि कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। रोज आके बैठ रहे हैं, पूरा हंगामा हो रहा है, ये हो रहा, बीच में हुआ कि टीचर नहीं आ रहे हैं तो मिडिल स्कूल को बुलाई, मिडिल स्कूल को बुलाने के कारण बहुत सी गड़बड़ी हो गई। अच्छा, मिडिल स्कूल से बुलाया था आपने? सर मैथ्स की कॉपी जैसे होती है तो उसमें टाइम तो लग जाता है, फिजिक्स में टाइम तो लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है टीचर को, तो कितनी जांच लगेगी दिन के अंदर? उसका
पहले 30 था, लेकिन इस बार किया कि आप 50 लीजिए और 16 नंबर, और उससे कम है 50 नंबर वाला है तो 70 लीजिए। इस पूरी तहकीकात में हमारी मुलाकात हुई एक दिलचस्प कैरेक्टर से। इसका नाम है ललिता चौधरी। कागज में ये वैशाली केंद्रीय इंटर कॉलेज की टीचर है, लेकिन इनका असली काम है ब्यूटी पार्लर चलाना। जी मैडम, ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, जो उससे वक्त बचा तो बिहार के बच्चों की तकदीर लिखती है। ललिता चौधरी ने खुद कबूल किया कि इन्होंने कक्षा का कभी मुंह नहीं देखा, लेकिन हिंदी की रोजाना 50 कॉपियां जाची हैं। क्लास ही नहीं करवाता है, क्लास के लिए हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इतना पढ़े लिखे हैं, लोग बुलाया ही नहीं, मतलब कभी गए 94 से अब तक कभी गए नहीं। 94 में मैंने ज्वाइन नहीं किया, 94 में मैंने पीजी किया। अच्छा, ज्वाइन कब किया था? ज्वाइन तो यही खुला है, कब स्कूल आपका? 10 या 12। अच्छा अच्छा, तभी आपने ज्वाइन किया था। क्लास करवाइएगा तब ना लोग। तब से गए नहीं, क्लास होता ही नहीं, इसलिए आप गए नहीं आप लोग। अच्छा, बस अब ये कॉपी जाते हैं, काम मिल जाता है आपको, नहीं मिलता थोड़ा बहुत? वो पहली बार मिला है। अच्छा, पहली बार मिला उसी में इतने फेल हो गए। अच्छा, पहली बार गए थे कॉपी से? हम कहाँ, हमारा से तो 50 कॉपी से ज्यादा जाचे नहीं होता। आज तक की खुफिया टीम की इस तहकीकात में किश्तों में खुलासा हो रहा था कि कैसे मेधावी बच्चों को नील बटे सन्नाटा कर दिया गया। तहकीकात में हमारी टीम की मुलाकात हुई जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रोफेसर प्रेम कुमार से। प्रेम कुमार जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाते हैं और साथ में हाजीपुर में अपना कोचिंग भी चलाते हैं। प्रोफेसर साहब तो और भी बड़े तीरंदाज निकले। इन्होंने लंगर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर में फिजिक्स की कॉपी जांची है और रिकॉर्ड कायम करते हुए 12 दिन में 900 कॉपियां जांच डाली। एक आदमी हम अपना बता रहे हैं कि हम 900 जांचे। सेंटर वाला कह रहा था कि एकदम 200 मांगे तो तुरंत 200 कॉपी बन जाएगा। 18 रुपये कॉपी हो गया, पहले था 12 रुपये, 14 रुपये, इस बार बढ़ा दिया 18 रुपये कर दिया। लोग धड़ल्ले से जांचना शुरू किया, तो किया भी एक लड़कों के साथ हुआ, तो 2-3 फैक्टर को मुख्य रूप से अन्याय हुआ है सर। इसका मतलब एक दिन में कितने कॉपी निकाल देते हैं? ये हमको तो लग रहा है कि एक दिन में कॉपी की जांच जो है कम से कम कोई 80, कोई 90, कोई 100 पूरा लेता है, जबकि 50 से ज्यादा किसी का है नहीं ताकत। 50 के अंदर जांचेगा बढ़िया से, देखे तो अंदर कहाँ ईमानदारी रहा है। वहाँ तो लोग अधिक से अधिक जांचने के फेरे में कौन, लोगों के दिमाग में तो बना रहा कौन चीज जटवा ये लिया हो, कमी कॉपी होगा बचा हुआ, ये भी तो दिमाग में पल रहा था जो टीचर जांच रहा था। इसलिए चलो जितना ले सको सो, किसी को पैरवी का कुछ इंटरेस्ट था। नौ दिन कितने दिन में आपने 900 कॉपी जांच किया? हमको लग रहा है कि ये हम लोगों को 12 दिन लगा। जैसे जैसे हमारी तहकीकात आगे बढ़ रही थी, नए नए कैरेक्टर सामने आ रहे थे। ये साफ हो रहा था कि कैसे गड़बड़ झाला करके फर्जी तरीके से कॉपियां जांच कर इन लोगों ने बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आज तक। बिहार में किसी बच्चे ने IIT की परीक्षा पास कर ली, लेकिन 12वीं के बोर्ड में फेल हो गया। अलग अलग जगहों पर अलग अलग गड़बड़ झाला हुआ। सामान्य सा छात्र टॉप कर गया, जीनियस का स्कोर नीलबटा सन्नाटा हो गया। ये सारा गड़बड़ झाला यूं ही नहीं हुआ है। 12वीं के जो कॉपियां हैं उसको जांचने में जो अंधेर गर्दी हुई है वो देखिए। हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा के मूल्यांकन को लेकर ऑपरेशन नीलबटे सन्नाटा में हमें ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला कॉपी जांचती मिली, तो हमें ये भी पता चला कि कैसे दबाव में शिक्षकों ने योग्य छात्रों को भी कम नंबर दिए। तहकीकात की अगली कड़ी में हमारी खुफिया टीम की मुलाकात हुई SPS कॉलेज वैशाली के प्रोफेसर धोनीलाल से। प्रोफेसर धोनीलाल ने भी हमारी टीम के सामने कबूल किया कि 12वीं बोर्ड के 40% कॉपियां मिडिल स्कूल के अध्यापकों ने जांची। ये क्या किया, जैसे खगड़िया में है, यहाँ भी है, सारे मिडिल स्कूल के टीचर को, क्योंकि उस समय शिक्षा मंत्री कहा जो लोग हड़ताल तोड़े चाहे नहीं तोड़े, हम समय पर रिजल्ट ले आइए, तो ये सब DO जो है, DEO सब, ये सब पर वो, चूँकि IAS है,
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का किशोर जी, वो सब डीओ को डीएम को कहा बस सब मिडिल स्कूल हाई स्कूल जहां से जो टीचर मिला गाड़ी में लाद लाद के सेंटर में घुसा दिया। हम लोग जब कॉपी जांच करने गए तो आपको ताजुब होगा, कॉमर्स का सारे टीचर गए हड़ताल टूटी बराड़ी मार के बोल बात और सबको रिलीजिंग दे दिया, एक भी आंसर बुक से उसको दर्शन नहीं हुआ। ये बाबाही लुटने के फिर में ये करवा दिया, सब अयोग्य एग्जामिनर जांचा है। इसमें तो आपको करीब करीब लगिए 40% मिडिल स्कूल के टीचर को आंसर शीट दे करके जजवा लिया। हम लोग भी ज्वाइन किए तो हम देखे कि तुम लोग कहाँ से आए आगे रे, जिसको हम पढ़ाए थे। सुना आपने, प्रोफेसर धोनीलाल ने जिन बच्चों को पढ़ाया था स्कूल में उन्हें वो 12वीं की कॉपियां जांचते मिले थे, यानी गुरुजी के साथ साथ चेले भी कॉपी जांच रहे थे। हाजीपुर वाले आपकी जो शिष्य थे मतलब समझ लीजिए वो कॉपियां जांच रहे थे, वो सब कॉपी जांच रहे थे। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी देखा है हमने बायोलॉजी में, देखे कि तुम क्या कर रहे हो रे बुआ, तो सर हम कॉपी जांच रहे हैं, डीओ बहाल किया हमने, देख लीजिए सब मिला के 88,000 था और अंग्रेजी का 22,000 था, जिनमें करीब 32 टीचर था। 32 टीचर ये कॉलेज का जितने कॉलेज से जुड़ा हुआ और कितना होगा वो बैकग्राउंड से बैकडोर से ऊपर हमने कर सकते हैं। बैकडोर वाले वो जूनियर होते हैं सर जो सारे लोग, तो इस बार तो वही किया है, वही डीला किया, वही डीला किया। प्रोफेसर धोनीलाल के खुलासे से बहुत कुछ साफ हो गया। जब मिडिल स्कूल के शिक्षक 12वीं बोर्ड की कॉपी जांचेंगे तो नतीजे कैसे आएंगे ये आपके सामने है। इस तहकीकात में हमारी मुलाकात एपीएस कॉलेज वैशाली के प्रोफेसर सुबोध कुमार सिन्हा से हुई। सुबोध कुमार सिन्हा जमुनीलाल कॉलेज हाजीपुर में पॉलिटिकल साइंस के हेड एग्जामिनर थे। उन्होंने तो ये खुलासा करके चौंका दिया कि 12वीं की कॉपियां मिडिल वालों ने ही नहीं प्राइमरी स्कूल वालों ने भी जांची थी। अभी तो इतना रिजल्ट की गड़बड़ी हो रही है हम लोगों के 33 दिन की हड़ताल की वजह से, कि प्राइमरी का टीचर, मिडिल का टीचर, कोचिंग का टीचर, इस सब लेके आनंद फानंद में कॉपी दिखाना। उनसे से चमाया सबसे कॉपी इन्होंने, ये 10वीं 12वीं का बिहार बोर्ड का। जी 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 जी, माने मैट्रिक का जितने भी प्राइमरी टीचर थे जिनका एजुकेशन ग्रेजुएशन लिखा हुआ था सेवा पुस्तिका में, उनको रिलीज किया और उनको बाय फोर्स जाके मैट्रिक वाला में कॉपी देते हैं। बाय फोर्स उठा के मतलब जी जी बरजोर। अब नौकरी प्यारा होता है ना, भगवान मिल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है ये रोजगार की दुनिया। और 12वीं वाले में, 12वीं में जिनकी एम में लिखा हुआ है उनको जाके दिया, चाहे वो प्राइमरी स्कूल के टीचर हो या मिडिल का हो, प्राइमरी हो, मिडिल हो, कोचिंग के हो, प्राइवेट स्कूल वाले, सीबीएसई वाले जो प्राइवेट खोले हुए हैं, उन सब लोगों को ले जाके दिखाए। आप लोग जहाँ कॉपी चेक करे तो वहाँ जी मेरे साथ देखा है। सुना आपने, टाइम पर परीक्षा के नतीजे देने के लिए किस तरह के हथकंडे अपनाए गए, यहाँ तक कि पॉलिटिकल साइंस के टीचर पर हिंदी तक की कॉपियाँ जांचने का दबाव बनाया गया। इतना प्रेशर था आपके ऊपर? जी जितनी प्रेशर थी, इतने नहीं प्रेशर था, आप हिंदी का भी देख दीजिए। हम कह कीजिए ना बाद में हम फंसेंगे, हम नहीं जाएंगे, हम लोगों पर इतना प्रेशर था। आप तो हिंदी का देख सकते हैं ना, इंग्लिश की जानकारी है तो देख दीजिए। बोर्ड की परीक्षा में कॉपी जांचने का एक नियम है, वो ये कि कॉपी सिर्फ वही अध्यापक जांच सकता है जिसको कम से कम 3 साल पढ़ाने का अनुभव हो। लेकिन यहाँ चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि 2 ऐसी अध्यापिकाओं ने भी कॉपियां जांची जिन्हें ज्वाइन किए अभी महीने भर भी नहीं हुआ था। टाउन हाई स्कूल के टीचर है, वो मार्च में कॉपी देखने से 15 दिन पहले ज्वाइन किया, उनकी नौकरी लगी, पंद्रह दिन पहले नौकरी लगी, समझे, इन्होंने कॉपी देखा 353। ये है अर्चना कुमार, इनका वो भी लोकल में, समझे, उनका अति है LPC02, समझे, लोकल में होने पर इनकी भी यही स्थिति है जो इनकी है। ये भी हाई स्कूल की है, टाउन हाई स्कूल की नहीं, गर्ल्स हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल की है, हो गया। सुबोध कुमार ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया, उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल के अध्यापकों ने भी 12वीं की कॉपियां जांच डाली। ये है रमेश ठाकुर,
इनकी कोड है LPSC04 लोकल पॉलिटिकल साइंस। हाँ हाँ लोकल पॉइंट एल चाहिए ना लोकल कॉन्वेंट स्कूल है ग्रीन फील्ड किसी जगह जब हुआ उसने सुबोध कुमार सिन्हा ने ग्रीनफील्ड स्कूल के टीचर रमेश ठाकुर का जिक्र किया था। अब हमारी टीम हाजीपुर के ग्रीनफील्ड स्कूल पहुंची तो वहां रमेश कुमार तो नहीं मिले लेकिन हमारी टीम की मुलाकात हुई कॉलेज के सेक्रेटरी आनंद स्वरूप चतुर्वेदी से। आनंद स्वरूप चतुर्वेदी ने तो नया खुलासा ही कर दिया। कहते क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं वहाँ कॉपी देखे होंगे। हमारे यहाँ तो ऐसे 10 में तो एक साथ मिला करके ऐसे ऐसे लेकिन इंटर में उसका है हिस्ट्री नहीं है सर। इनका वो है बच्चों को पढ़ाते हैं वो उसको क्या कहते हैं PSY सोशोलॉजी समाजशास्त्र। देखा आपने यहाँ कितने गड़बड़ झाले हैं। अभी एक और खुलासा होना बाकी था जिसके लिए हमारी खुफिया टीम पहुंची पटना के पटना हाई स्कूल जहां हमारी मुलाकात हुई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल रामचंद्र चौधरी से। रामचंद्र चौधरी ने हमारे खुफिया कैमरे पर कबूल किया कि मिडिल स्कूल के अध्यापक किस तरह कॉपियां चेक कर रहे थे। ये था कि कुछ जो है ऐसे टीचर आए जो मिडिल स्कूल और के टीचर थे लेकिन उसको भी तो मेमोरेंडम जो बना हुआ है उसके आधार पर देखना था कॉपी ना। आप जो स्मार्ट पत्र बना के दिए हैं मतलब देखने के लिए क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन का स्मार्ट पत्र बनता है मेमोरेंडम बनता है तो मेमोरेंडम के आधार पर वो कॉपी देखा है इसलिए वहाँ बहुत अधिक गलती होने की संभावना नहीं है। जो उत्तर बना करके आप दिए हैं उसके आधार पर कॉपी देख रहा है। अच्छा जो उत्तर बना के टीचर को दे दिया जाता है कि इसी के आधार पर वो कॉपी देखना है। देखा तो अगर लड़का अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का उसमें कुछ और दिमाग से अगर मैथ को सॉल्व कर दिया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है तो उसके लिए थोड़ा सा ये हो सकता है कि मैंने उसको एडवांटेज उतना नहीं मिलेगा जितना ज्ञानवान टीचर देखेंगे। कहीं ब्यूटी पार्लर वाली मैडम कॉपी जांच रही हैं, कहीं प्राइमरी और मिडिल वाले कॉपी जांच रहे हैं। ज्यादा नंबर देने पर री चेकिंग का डर है। ऐसे में जो होना था वही हुआ। अंधेर गर्दी में बिहार के भविष्य को चौपट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। सैयद मसरूर हसन के साथ मोहम्मद हिजबुल्ला स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। बात बिहार की हो रही थी ब्रेक से पहले और ब्रेक के बाद भी बिहार की ही एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जो जिनके बेटे सत्ता में हैं खुद नहीं है लेकिन विवाद ढेर सारे हैं। जी हाँ लालू प्रसाद यादव उनसे बात की हमारे सहयोगी ने क्योंकि लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच दूसरी तरफ बेटा स्वास्थ्य मंत्री के रूप में क्या खास सुविधाएं पिता को दिला रहा था इन विवादों के बीच हमने की है उनसे बातचीत। हमारे साथ हैं लालू प्रसाद यादव जो आज यहाँ विपक्ष की जो बैठक थी राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर उसमें शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। लालू जी ये बताइए कि आज आप लोगों की बैठक हुई सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है बीजेपी की तरफ से आपको लगता है कि वो सर्वसम्मति बना पाएगी या सिर्फ दिखाने के लिए है? हमें तो लगता है कि हम लोगों ने जो पहले बैठक किया था और आज उस बैठक में हम लोग 17 पार्टी के लोग जुटे थे कि भाई हम लोग अभी कोई नाम वाम न तक करें और डिस्कस नहीं करें कमेटी बना दें छोटी कमेटी और लेट द गवर्नमेंट कम मतलब फॉरवर्ड राष्ट्रपति के मामले में क्या सोचते हैं क्या अपेक्षा है क्या मतलब क्या अपना नाम हाँ क्या नाम हम देते हैं तो फिर हम लोग बैठेंगे। इस बीच में भाजपा के द्वारा 3 आदमी की जो देखा अखबारों में कमेटी बनी है और उन लोगों ने कुछ साधना शुरू किया है मतलब सोनिया जी से भी टाइम मांगा है और कोई कोई नेता को भी फ़ोन किया था कि बात करेंगे तो आप लोगों से भी संपर्क किया? नहीं हमसे नहीं संपर्क है तो वो यहाँ आज जो हम लोग बैठे तो उसमें इस सब बात की चर्चा हुई क्या हुआ कैसे कोई साधा नहीं साधा क्या बात है तो
हुआ कि हम लोग वेट करें और 28 को इसमें टाइम भी नहीं है, 28 को नॉमिनेशन का अंतिम डेट है 28 को, तब तक फिर लोग टच में रहेंगे और हम लोग फिर बैठ करके अपना जो भी निर्णय होगा, क्या आया, क्या बात है, नाम है, तो अब उधर से तो इस पर हम लोग चर्चा करके। आपको उम्मीद है कि ऐसा कोई नाम लाएगी बीजेपी जिस पे सर्वसम्मति बन सके, आप लोग सब लोगों की सहमति बन सके उस पे? देखिए, एक तो मैंने हमारी जहाँ तक बात है व्यक्तिगत ढंग से है कि कोई आइडियोलॉजिकल समझौता हम पक्ष में नहीं है आइडियोलॉजिकली, और कोई भारत के संविधान धर्मनिरपेक्ष और भारतीय जो हमारा सद्भावना भाईचारा है उसमें अटूट विश्वास और जिसको सारा राष्ट्र जानता हो, कोई ऐसा नाम आता है तो उसमें बैठक में लोग चर्चा करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसमें। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया है कि आडवाणी जी का, आडवाणी जी आप बीजेपी के नेता हैं लालू जी, लेकिन आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कई मौकों पर आडवाणी जी की तारीफ करते रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आडवाणी जी का तारीफ हम करते रहे हैं, वो बड़प्पन है, सोशल मतलब उनका व्यवहार रहा है सब लोगों के साथ, वो सोमनाथ से निकले थे तो मैंने गिरफ्तार किया, कोई कंप्रोमाइज हम नहीं किया। लेकिन अब क्या अगर उनका नाम आता है? बात सुनिए, अब ये बीजेपी क्या करती है नहीं करती है, चूँकि जो बनाने वाले हैं नरेंद्र मोदी को, वो तो आडवाणी जी हैं, और आडवाणी जी हैं तो अब उनके प्रति क्या उनको वो तोहफा देते हैं कि दरकिनारा तो कर ही दिए हैं, तो अपना फिर क्या आता है उन लोगों की तरफ से। आपको उम्मीद है कि आडवाणी जी का नाम ला सकते हैं मोदी जी? हमें नहीं लगता है आडवाणी जी के नाम के या किसी का नाम, उनके राष्ट्रपति का नाम नरेंद्र मोदी के पेट में है अंदर, बाकी सब आयुवास है ये सब चीज़ है। अगर आडवाणी जी का नाम आता है तो क्या आप व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट करेंगे? नहीं, व्यक्तिगत का सवाल नहीं ना है, हम लोग सब एक है ना, हम लोग 17 पार्टी के लोग एक हैं, बैठ करके हम लोग इन चीज़ों को देखेंगे। आपका क्या मत होगा उसमें? ना, हमारा मत मतलब बैठेंगे तब हम सबका जो मत होगा वही मत होगा मेरा, सब लोगों को अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ेगा, और हम तो तैयारी कर रहे हैं, मतलब विकल्प का तैयारी कर रहे हैं। आप लालू जी विकल्प की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपके आपको घेरने के लिए एक से एक आपके ऊपर रोज नए आरोप आ रहे हैं, लगातार ये बातें आ रही हैं कि आपने लोगों से जमीन काम के बदले जमीन, नौकरी के बदले जमीन लिखवाई। नहीं, बिल्कुल ये कथा कहानी सर्कस बहुत पहले भी चला चुका है बीजेपी वाला, CBI का जांच भी करा चुका है इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट तक भी आगे हार के चला गया है CBI। हमारा जो भी चल अचल संपत्ति है, हमारा यूनिट का, बाल बच्चों का, परिवार का, वो समूचे पब्लिक डोमेन में है, सब सफाई है और सब जगह, चाहे राष्ट्रपति हो, ये इलेक्शन कमीशन हो, या जहाँ भी हो, या इनकम टैक्स हो। लेकिन लालू जी, लोग भी इस बात पे हैरान है कि इतने लोग आपको आखिर अपनी जमीन दान में क्यों लिख रहे हैं? नहीं, दान का मतलब है कि अब जैसे दान का मतलब गिफ्ट में दिया जी। रघुनाथ झा जी हमारे पार्टी के थे, वो रिजर्व हो गया सीट वहाँ, एक छोटा मकान था गोपालगंज में, मेरा गृह जिला है वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि हमको अब जरूरत नहीं है, ले लीजिए, तो गिफ्ट में दे दिया उन्होंने। कांति सिंह हमारी पार्टी की, कब मंत्री लोग बना, कब मंत्री बना और कब गिफ्ट मिला, तो ये तो बदनाम उनको करता है ना लोग, रघुनाथ झा को, कांति सिंह को, कि गिफ्ट में ले लिया, तो गिफ्ट का कानून है, तो गिफ्ट में हमको कोई दे दिया तो बेल पका तो कौए का बाप को क्या है भाई, बताओ, हमको कोई दे दिया गिफ्ट में प्रॉपर्टी और कानून के तहत दिया है, इसमें घपेला क्या हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग आपको गिफ्ट में दे रहे हैं लालू जी, और ये सवाल लोग उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता उठा रहे हैं कि गरीब लोग से लेकर ऐसे सब लोग आपको आखिर गिफ्ट क्यों दे रहे हैं, दूसरे लोगों को नहीं देते, आप ही को सब गिफ्ट नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, वो लायक नहीं है, काहे देगा कोई को, ये भिखमंगा, ये जो भिखमंगा है भाजपा वाला, ये समूचा लूट दिया देश को, अरबों खरबों रुपया ये लोग खर्चा कर रहा है, ये कहाँ से आ रहा पैसा, कहाँ गया काला धन? जम्मू कश्मीर में आज भी ईंटे पड़ रहे हैं, हुआ था कि ईंटा कम हो जाएगा, नक्सली के हुआ था निकालेंगे पैसा, पैसा कहाँ गया भाई?
जेल जेल में शहाबुद्दीन जी से आपने बात की, उसके आपको ये लगता है कि नहीं आप फोन उधर से आया था, लेकिन कोई आदमी जेल में बंद हो, आपको मालूम हो कि आपको लगता है कि उनसे बातचीत करनी चाहिए, विवाद नहीं होगा इस पर? देखो ना, इस पर विवाद का मतलब क्या है, एक साल पहले की बात है। अब कोई फोन किया, हमारा पार्टी का MP था, 15 साल से जेल में है और उस इलाका में मतलब दंगे हो रहे हैं, काफ़ी दंगा का संभावना है, तो कोई भी आदमी थर्ड पर्सन भी कहीं से फोन आएगा तो हमको ले करके इन चीज़ों को देखना पड़ेगा हमको। लालू जी, एक सवाल ये भी बार बार उठ रहा है कि आपके ऊपर एक के बाद एक मुसीबत आती गई, छापा पड़ा, रोज नए विवाद आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं लोग कि नीतीश जी आपके साथ मजबूती से खड़े नहीं है। बात सुनो, लगातार आपको भी याद होगा कि 22 जगह लालू के ठिकानों पर छापा छापा छापा, हम चिरा के बोल रहे हैं, बताओ ना भाई 22 जगह कौन छापा है। नीतीश जी कह रहे हैं कि लोग आपके साथ मजबूती से खड़े नहीं है, वो यहाँ आते हैं सोनिया गांधी के भोज में नहीं जाते हैं। सोनिया गांधी के भोज का सवाल भोज नहीं ना था, ये तो मीटिंग थी कि कोई आवे या प्रतिनिधि भेजे, तो नीतीश जी को वहाँ काम था, आया मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए नेक्स्ट डे, और मॉरिशस से संबंध हम लोग का बिहार का, अब प्रधानमंत्री के माध्यम से खबर किया गया तो हुआ है। आपको भरोसा है कि नीतीश जी BJP के साथ नहीं जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। आखिरी सवाल लालू जी ये है कि राबड़ी जी ने ट्वीट किया, बड़ी चर्चा हुई इसकी, कि ऐसी बहू चाहती हैं जो मॉल सिनेमा नहीं जाए, आपने कहा कि शादी बच्चों की इच्छा से होगी, लेकिन आप एक कैसी बहू चाहेंगे, आपकी क्या क्या कल्पना है? संस्कार, पारिवारिक संस्कार, बच्ची का संस्कार, धनी होना जरूरी नहीं है, उसमें बिल्कुल मैच करे हम लोग के घरों में आ करके बच्ची, और बेहतर ढंग से घर को चलावे। हमारा 70 साल उम्र हो गया, राबड़ी देवी का भी 70 साल से कम है अभी, तो इस कोई कन्या आवे, आजकल कन्या लोगों को देख रहे हैं कि कहीं से कहीं शादी कोई कर लेता है, डाइवोर्स हो जाता है लोगों का, तो देख रेख के मतलब ठोक ठठा के अरेंज मैरिज हम लोग करेंगे। बेटे अगर खुद से ले आते हैं तब क्या करेंगे? अपनी बेटा और बेटी, बेटा और कन्या, कोई भी कन्या हो, दोनों पसंद आपस में पसंद करे तो वो भी बहुत ज़रूरी है, उनका भी लाइकिंग डिसलाइकिंग, हम कह दें कोई से ऐसे कर लो और वो कह कि नहीं हम इसे नहीं करेंगे, तो बेकार का बात है। आपने सुना लालू जी की बहू को लेकर ऐसी कल्पना है कि वो संस्कारी हो और घर में एडजस्ट हो सके, लेकिन अपने ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे हैं उनके बारे में लालू यादव जी का ये कहना है कि इस पर कई बार जांच हो चुकी है और ये आरोप बेबुनियाद हैं। कैमरामैन विनोद के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ से तबाही दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट में। अब आइए आपको दिखाते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसे बाढ़ से तबाही फैली है, कई लोगों की जान चली गई है, घर तबाह हो रहे हैं और रास्ते किस तरह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें पूर्वोत्तर की हैं। पिछले 3 दिनों से यहां मूसलाधार बारिश ने कहर ढा रखा है और अब तो तबाही की बाढ़ लोगों के लिए काल बन गई है। मकान ढह रहे हैं, लोग बह रहे हैं, घर मकान जल समाधि ले रहे हैं। असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जैसे जल प्रलय सा आ गया है। अब तक पूर्वोत्तर में 12 लोगों की मौत हो चुकी है। डिजास्टर मैनेजमेंट और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। पुलिस के मुताबिक बादल फटने से मिजोरम की कर्नाफुलू नदी में मंगलवार को अचानक बाढ़ आ गई जिसमें 10 लोग बह गए। मिजोरम के 3 जिलों के 400 घरों को नुकसान पहुंचा है। बारिश ने मिजोरम को असम से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 54 को भारी नुकसान पहुंचाया है। असम की गुवाहाटी में आसमानी बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। बारिश के चलते लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने गुवाहाटी में स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान किया। NDRF, SDRF, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों समेत अन्य को इमरजेंसी की हालत के लिए तैयार रहने को कहा गया है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। आज तक ब्यूरो।